हेलो गाइस। तो गाइस उस दिन मैं 50 किलोमीटर साइकिलिंग किया था और आज मेरा टारगेट है 80 किलोमीटर, मतलब 80 किलोमीटर आज हम साइकिलिंग करेंगे भाई। तो घर से निकलते लेट हो गया, सुबह जल्दी निकलेंगे तो जल्दी घर आएंगे, लेकिन लेट हो गया लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। तो बस आप लोग ब्लॉग को देखिए और इंजॉय कीजिए। तो गाइस आप लोग मेरे गाँव का रास्ता देख सकते हैं भाई, पूरा एकदम मतलब मस्त, एकदम दोनों साइड पेड़ और बीच में रास्ता, मतलब पूरा मस्त है भाई। तो अभी मैं गांव से निकल गया, तो अभी बहुत दूर जाना है भाई। तो बस आप लोग मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए और इंजॉय करते रहिए। तो गाइस फाइनली 15 किलोमीटर साइकिलिंग मतलब कर लिया और अभी बहुत दूर जाना है भाई, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल जाएंगे। और उधर रोड पूरा प्लेन था इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा, और इधर रोड देखिए पूरा ख़राब है रोड भाई। तो आप लोग देखिए, और मैं जा रहा हूँ एक टूरिस्ट प्लेस, और उस जगह का नाम अभी नहीं बताऊँगा, बाद में बताऊँगा, नहीं तो आप लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा भाई। तो अभी थोड़ा पानी वानी पिया, थोड़ा रुका, तो बस अभी पहुँचते उस जगह पर। तो बस आप लोग ब्लॉग को देखिए और इन्जॉय कीजिए। तो गाइस इधर रोड देखिए मतलब पूरा खराब है, एक डंपर आ रहा है पूरा धुला धुला कर दे रहा है भाई। तो थोड़ा टाइम लगेगा इधर जाने में क्योंकि रोड पूरा खराब है भाई। तो चलते हैं भाई, और पूरा मजा आ रहा है साइकिलिंग करने में, और मजा तो मुझे ऐसे आते है भाई। तो बस आप लोग ब्लॉग को देखिए और इंजॉय कीजिए, ठीक है। तो गाइस फाइनली 30 किलोमीटर साइकिलिंग कर लिया भाई, और इधर अच्छा रोड भी मिल गया और रोड साइड में अच्छा व्यू भी मिल गया। तो बस आप लोग ब्लॉग को देखिए और एंजॉय कीजिए, और रोड साइड का व्यू देखिए, एकदम मजा आ जाएगा भाई। मतलब बीच में रोड और दोनों साइड पूरा सब्जी सब्जी खेत है, पूरा सब्जी लगा दे भाई, मतलब व्यू पूरा मस्त है। आप लोग देखिए और ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। तो गाइस फाइनली 40 किलोमीटर साइकिल चला के पहुंच गया देउल पार्क, और पार्क में आया हूं भाई, छोटा सा ब्लॉग बनाऊंगा। तो बस आप लोग ब्लॉग को देखना और मेरे ब्लॉग को एंजॉय करना। तो गाइस जिस जगह पर मैं आया था उस जगह से अभी मैं निकल गया, और 80 किलोमीटर टू साइड है भाई, मतलब अप डाउन, और एक साइड नहीं है, 80 किलोमीटर टू साइड है। तो 40 किलोमीटर साइकिलिंग करके मैं आया था एक टूरिस्ट प्लेस में, और पूरा ब्लॉग बनाया हुआ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। तो अभी मैं निकल गया घर के लिए मतलब। तो बस अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है, और 40 किलोमीटर जाना पड़ेगा, मतलब 40-40 80 हो जाएगा। तो बस आप लोग ब्लॉग को देखिए और इन्जॉय कीजिए। तो गाइस फाइनली 50 किलोमीटर हो गया, और अभी मैं रुका हूँ, थोड़ा पानी वानी पिया, और जिस जगह पर मतलब जिस टूरिस्ट प्लेस में मतलब जहाँ पर गया था मैं, वहाँ पर 300-400 साल पुराना एक मंदिर है। तो अगर आप लोग मंदिर देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को मिल जाएगा, और उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। तो 50 किलोमीटर हो गया और बस 30 किलोमीटर अपना घर मिल जाएगा, तो घर में जाके पूरा आराम करेंगे भाई। तो उससे पहले आप लोग ब्लॉग को देखिए और इन्जॉय कीजिए। गाइस 60 किलोमीटर हो गया और बहुत भूख लग गया यार, कुछ खा लेते अभी। तो बस आप लोग ब्लॉग को देखिए और इन्जॉय कीजिए, और बस 20 किलोमीटर है, चल जाएंगे, टेंशन लेने कोई बात नहीं, उतना दम तो है भाई। तो बस आप लोग ब्लॉग को देखिए और एंजॉय कीजिए। तो गाइस अभी टाइम बहुत हो चुका है, अभी बज रहा है 3, और मैं घर से निकला था 10 बजे। तो इधर रोड पूरा खराब है इसलिए टाइम बहुत लग रहा है भाई, नहीं तो ज्यादा टाइम नहीं लगता, प्लेन रोड रहेगा तो मस्त सर के साइकिल चला के चल जाऊंगा भाई। तो ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर तो जाना होगा भाई, तो जाएंगे। तो बस आप लोग और क्या बोलेंगे भाई, ब्लॉग को देखिए और क्या, और एंजॉय कीजिए। तो गाइस 70 किलोमीटर हो गया शायद, और मतलब पंडसर से मेरा घर 10 किलोमीटर है, और मैं आ गया पंडसर। तो और ज़्यादा दूर नहीं है, चल जाएंगे ऐसे ही। तो बस मतलब सफर में पूरा मजा है, अगर वीडियो ब्लॉग पसंद आया तो एक लाइक कर देना भाई। तो बस आप लोग ब्लॉग को एंजॉय कीजिए, और 10 किलोमीटर है, बस अपना घर आ जाऊंगा और पूरा आराम करूंगा भाई घर में। तो बस आप लोग ब्लॉग को एंजॉय कीजिए।
तो गाइस फाइनली 80 किलोमीटर साइकिलिंग पूरा हो गया, मेरा जो टारगेट था वो भी पूरा हो गया। तो अभी मैं अपना गांव आ गया यार, और अभी रुकने का मन नहीं कर रहा, अभी वहां से अपना घर पहुंचना है। तो पूरा मजा आया सफर में, और ब्लॉग अगर पसंद है तो लाइक कर देना, और चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बस आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।